कराहल तहसील में सीमांकन उपेक्षा के आदेश के बाद भी किसान की जमीन से नहीं हटा कब्जा। नींव खोद कर मकान बनाने की फिराक में कब्जाधारी। खबर कराहल से जहां साहब सिंह कुशवाहा पुत्र भेरूलाल कुशवाहा ने बताया है कि मेरे पिताजी के नाम से ग्राम सेमरा में खाते की 4 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि है, मगर उस जमीन का गाँव के ही एक व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर रखा है। 2019 में कराहल तहसीलदार के आदेश पर मेरी जमीन का सीमांकन हो चुका है। सीमांकन होने के बावजूद भी इन लोगों ने मेरी भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा। इसके लिए मैंने कराहल तहसील न्यायालय में वर्ष 2020 में कब्जा छुड़वाने के लिए धारा 250 की अपील की थी, जिसका आदेश तहसीलदार द्वारा मेरे पक्ष में किया गया और आदेश में कब्जाधारियों भूमि से बेदखल एवं सिविल जेल भेजने के लिए लिखा गया है, मगर ना तो आज तक मेरी जमीन से कब्जा छूटा और ना ही इन लोगों को प्रशासन ने बेदखल किया है। आदेश के बाद भी कब्जाधारी मुझे जमीन नहीं जोतने दे रहे हैं, बल्कि मुझे झगड़ा करने पर उतारू है। 2 वर्ष पहले भी मुझसे झगड़ा किया था, मगर शिकायत मैंने कराहल थाने में की थी, मगर तब भी कोई कार्यवाही इन लोगों पर नहीं की गई। धारा 250 की कार्रवाई से बचने के लिए इन लोगों ने एसटीएम न्यायालय में अपील की, तो एसटीएम द्वारा धारा 250 को पुनः सुनवाई के लिए तहसील न्यायालय को लिख दिया गया, मगर अब तो उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह आज लोग मेरी जमीन में नींव खोद कर मकान बनाने की तैयारी में है। मैंने पटवारी से भी कहा, मगर पटवारी उन्हें रोकने नहीं जा रहा है। इस संबंध में जब हमारे रिपोर्टर सेमरा हल्के के पटवारी मनीष गुप्ता से फोन पर संपर्क किया तो पटवारी बोले कि उन्हें अभी यहाँ पदस्थ हुआ कुछ ही महीने हुए हैं, अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि ऐसा हो रहा तो कोई जबरन कब्जा करके नींव खोद रहा है, तुरंत काम रुकवाता हूँ। फरियादी बोला है, बहुत चक्कर काट लिए मगर मेरी कुछ नहीं सुन रहा है। अब कलेक्टर से ही अपनी फरियाद सुनाऊंगा, मुझे न्याय दिलाएंगे। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नाम है आपका? साहब सिंह, पिताजी का नाम भैरूलाल। कौन से गाँव के निवासी? सेमरा। क्या परेशानी है, तहसील किस लिए आए? तहसील 2020 से मैं चल रहा हूँ, आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ मेरी जमीन का। क्या हो रहा है तुम्हारी जमीन में? जमीन में सीमांकन करवा लिया, हाँ। और उस कब्जा नहीं छोड़ रहा। अच्छा, तो हमारे गांव के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है? गांव के व्यक्ति ने। तो यहाँ क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं कल आना, परसों आना, अब और इनकी तारीख लगा देते हैं, तारीख हर एक तारीख करी है हमने। तो क्या तहसीलदार साहब ने आपके पक्ष में कोई आदेश किया था क्या? हाँ, आदेश किया, बेदखली आदेश किया 250 की कार्रवाई का। 250 की कार्रवाई आपके पक्ष में हुई? हाँ, नहीं कुछ नहीं किया, इन्हें पक्ष में तो हुई, जेल नहीं भेजा। मतलब उस व्यक्ति ने कब्जा नहीं छोड़ा अभी तक? नहीं छोड़ा। पटवारी क्या कहते हैं? पटवारी जो कहते हैं कि दोबारा सीमांकन कराओ। पा रही तो आज मतलब क्या शिकायत लेकर आए हो आज? आज शिकायत जो लाए कि हमारी जमीन, हमारी कब्जा हमको दिलाया जाए। अच्छा, मकान बना रहा है वो, आज नींव खोद रहा है उसमें, और पत्थर फटक लाए, जमीन की जुताई कर दी और नींव खोद कर मकान बना रहा है। अब मकान बनाया जा रहा है? नहीं, ये जो पटवारी अभी वर्तमान में पदस्थ हैं तुम्हारे, इनसे बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं, बात हुई मेरी, मतलब ऐसी हुई कि लड़ाई जी तुम आना और मेरी जगह को देख ना जाके, और मैंने कागज भी दे दिए एसडीएम का आदेश थे, नहीं कर रहे हैं पटवारी, अभी तक पहुँचे नहीं है। मैं बुलाया मैं आऊँगा, आऊँगा। अच्छा, आदेश के बाद भी तुम्हारी जमीन से कब्जा नहीं हटा? नहीं हटाया। धमकी भी देता है, हम जुताई करने गए थे, उसने मारने की धमकी दी। तो तुमने थाने में आवेदन दिया? हाँ, आवेदन दिया। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई है हमारी? अच्छा, 1 बीघा जमीन तो है। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है उस खेत पर? 4 बीघा जमीन नहीं छोड़ रहा हमारी, 1 बीघा तो हमारे है हम पे कब्जा। तो ये जो तहसीलदार एसडीएम आपकी जमीन नहीं छोड़वा पा रहे? नहीं छोड़वा पा रही। मैं बहुत परेशान हो गया, और मैं तहसील से आज मैं कलेक्टर साहब के जाने की सोच रहा हूँ 2-1 दिन में। कलेक्टर साहब के पास शिकायत करोगे आप? शिकायत करेंगे, मैं अधिकारी इनकी शिकायत करेंगे कि हमें सुनवाई नहीं कर रहा कोई, पुलिस कर नहीं रही, तहसीलदार एसडीएम कर नहीं रही, पटवारी कर नहीं रहा। तो आप जाते हो तो लड़ाई की स्थिति बन जाती है? अरे साहब, लट ले आ जाते हैं वे सब, पूरा परिवार इकट्ठा। हाँ, मेरा आवेदन लगा हुआ है, कम से कम 20-25 लोग आए थे लट ले के, और मेरे भाई का दांत भी टूट गया, लड़ाई हुई उसमें, कोई आवेदन दिया मैं तहसीलदार साहब को, कोई निराकरण नहीं हुआ और ना कोई सुनवाई हुई।